सबसे पहले हम बात करते हैं गट चार्ट। गट चार्ट में जैसे कि मैंने लेते हैं तो यहाँ स्पीडोमीटर तक का एक बनता है। जैसे मान लीजिए मैंने टोटल क्वांटिटी यहाँ पे रखा, तो ये ऑटोमेटिक टोटल क्वांटिटी का दिखा देगा कि कितना हुआ, राइट। अब इसमें यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम और टारगेट वैल्यू दिया हुआ ठीक है। स्क्रीन नहीं दिख रही आपको? आप दिख रही है? तो हाँ चलिए, तो मैं बात कर रहा हूं गट चार्ट के ऊपर। यहां से गट चार्ट को लिया, उसको मैं यहां से थोड़ा सा बड़ा करता हूं। बड़ा करने के बाद जो हमारी क्वांटिटी है कौन बंद किया है, तो तो यहां पे जैसे मैंने क्वांटिटी उठा के गट चार्ट के ऊपर ड्रॉप किया था, कुछ इस तरह का बनता है ठीक है। इसमें यहां पे मिनिमम मैक्सिमम टारगेट तीन चीजें हैं। मिनिमम मतलब कि यहां पे जीरो के है, बाय डिफॉल्ट ले लेता है। मैक्सिमम यहां पे जो आपकी टोटल वैल्यू होती है ना उसकी डबल, जैसे कि इसकी टोटल अगर 487 है, इसका डबल ऑटोमेटिक हो जाता है। बट आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे ठीक चाहिए, मैंने अपना देखता हूं कि यहाँ पे आईडी है, तो ये इनवाइसेस जनरेटेड है और हर इनवाइस के ऊपर यहाँ पे सेलिंग है, राइट। ठीक है सर, तो मुझे क्या करना है कि मेरी जो कंपनी है वो कहती है कि एक इनवाइस के ऊपर मैक्सिमम जो है 100 सेल होना चाहिए। तो जितना आईडी है उसको मल्टीप्लाई बाय 100 हमारी मैक्सिमम सेल होगी। इस तरह की कैलकुलेशन करके मेजर्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मेजर्स? यहाँ होम के अंदर ही यहाँ पे आपको मेजर्स देखेगा। मेजर्स के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे मैंने लिख दिया मैक्स के नाम से एक ला दिया फिल। और यहाँ पे मैंने क्या किया, जस्ट दिया काउंट। काउंट क्या, तो हमने बोला यहाँ पे आईडी और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैक्स नाम का फील्ड आ गया। अब इस पे क्लिक किए और जहां मैक्सिमम है वहां पे डाल दिया ठीक है। अब इस पे आता है टारगेट, कि आपका टारगेट क्या सेट था। तो टारगेट मेरे पास ऑलरेडी है तो मैंने यहाँ पे टारगेट डाल दिया। तो टारगेट की एक पट्टी लाइन बन जाएगी यहाँ पे, दिख रहा है लाइन। तो 485 की टारगेट थी और 487 का सेल हुआ। अब इसकी फॉर्मेटिंग में आते हैं। फॉर्मेटिंग में सबसे पहले गज का एक्सिस जो है ये ऑटोमेटिक है, यहाँ पे दिख रहा होगा। मैक्स आप नहीं और टारगेट को नहीं छेड़ सकते, बट इसको आप छेड़ सकते हैं। जैसे कि हम जो यहाँ पे ए बनाया, कैलकुलेशन किया, वो कैलकुलेशन यहाँ पे चलेगा। अब यहाँ पे कलर, कलर में जो फिल कलर है ये आपको दिख रहा है और ये आपका कौन सा कलर है, टारगेट कलर है। तो टारगेट कलर को मान लीजिए मैंने यहां से रेड ले लिया ठीक है। फिल कलर को हम यहां पे ग्रीन पे जाके ग्रीन ले लेते हैं ठीक है। इस तरह से कलर सेट कर सकते हैं। देन डेटा लेवल, ये जो डेटा लेवल है ये जो दिख रहा है ऊपर, ये डेटा लेवल यहाँ पे नीचे यहां दिख रहा होगा, आ रहा होगा डेटा लेवल आ सकते हैं। ऐसे आपका टारगेट लेवल लाना चाहते हैं ला सकते हैं, हटाना चाहो ला हटा सकते हैं। ऐसे आपका कॉल आउट वैल्यू ला सकते हैं हटा सकते हैं और सबकी अलग अलग फॉर्मेटिंग। तो गुरुमान जी गट चार्ट के बारे में सीख गए, कोई दिक्कत इसमें? गट चार्ट के बाद हमने कार्ड, कार्ड के ऊपर तो बहुत सारे डिस्कशन किए ही हैं क्या। हाँ एक और आता है मल्टी कार्ड। मल्टी कार्ड, मल्टी कार्ड में क्या होता है कि जैसे कि मेरे पास कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, मुझे सारे प्रोडक्ट का टोटल देखना है, तो मैं सबका अलग अलग कार्ड नहीं बनाना चाहता, मैं इस तरह से मल्टी कार्ड बनाना चाहता हूँ। तो मल्टी कार्ड हमेशा, जी हाँ मैं दिखा रहा हूँ। हाँ मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट रखा और मैंने प्रोडक्ट की क्वांटिटी रख दी, यहाँ आ गया ना हर प्रोडक्ट की क्वांटिटी यहाँ पे आ गई।
अब इसकी भी एक अपनी फॉर्मेटिंग है, जैसे वैल्यू हो गया, कार्ड हो गया, कार्ड की फॉर्मेटिंग, इसका कलर ब्लू की जगह पे कुछ और करना चाहते हो, इसको बोल्ड करना चाहते हो, इसकी साइज बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, स्टाइल टॉप में रखना चाहते हैं ये, ठीक है, बॉटम में, राइट में, ठीक है, और इसकी पैडिंग कितना होना चाहिए, जो करेंगे उतना कम होगा, आपस में सटेगा, एक्सेस बार रखना है या ऑफ ऑन करना है, एक्सेस बार का कलर साइज क्या होना चाहिए, तो साइज आप बढ़ा सकते हैं इस तरह से, दस से ज्यादा नहीं होगा, आई थिंक 15 नहीं, नहीं 10 ही हो सकता है, 10 से ज्यादा नहीं। और उसकी कलर आप चेक कर सकते हैं, कलर क्या होना चाहिए, ठीक है, ये मल्टी कार्ड होता है। मल्टी कार्ड के बाद स्लाइसर, और स्लाइसर को हमने कई बार यूज किया है ना सर, क्या वो बाद में बताऊंगा, एक एपीआई है थोड़ा सा अलग है, बताऊंगा। अब यहां पे मैं मान लीजिए कि कोई भी यहां पे फिल उठा के रखूंगा तो कुछ इस तरह से आएगा। अब ध्यान रखिए, क्या इसमें मैं दो फिल रख सकता हूं, दो फिल रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से कुल आउट होगा इस तरह, ठीक है, इसकी अपनी हाँ इसकी एक अपनी सेटिंग है, यहाँ पे स्लाइसर सेटिंग में आते हैं, तो क्या चाहिए, वर्टिकल लिस्ट या ड्रॉप डाउन, तो ड्रॉप डाउन में कुछ इस तरह से आप ड्रॉप डाउन कर सकते हैं, दो या दो से ज्यादा रखते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक काम करूं, एसओ हटा दूं, तो मेरे पास स्लाइसर्स में कुछ और चीजें भी आ जाएगी, टाइल्स भी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन क्या करना है, मल्टी सिलेक्ट करना है या सिंगल सिलेक्ट हो, सिंगल सिलेक्ट करना है या मल्टी सिलेक्ट करना है या सिलेक्ट ऑल का भी एक आप यहाँ पे ऑप्शन चाहते हैं, ठीक है। और बाकी तो फॉर्मेटिंग वही है जो आपने पहले भी बताया मैंने, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेबल, टेबल दो तरह के होते हैं, एक नॉर्मल टेबल, एक मैट्रिक्स टेबल। अब नॉर्मल टेबल पे आते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे कुछ फील्ड चाहिए तो मैं इस तरह से वन बाय वन ड्रॉप करके रख सकता हूं यहाँ पे, ठीक है। जैसे जब मल्टीपल फील्ड्स रखेंगे वैसे यहाँ पे फील्ड्स बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आपको क्वांटिटी वैल्यू जिसकी ए करनी हो, कैलकुलेशन करनी हो, कैलकुलेशन होता जाएगा इस तरह से। अब इसके इसके जो कॉलम की साइज वगैरह बढ़ाना है तो इस तरह से इसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद कैलकुलेशन चेंज करनी है तो आप यहाँ पे दिख सकता है सम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम अपनी कैलकुलेशन चेंज कर सकते हैं। इसमें एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी है, इसमें आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, फ्रंट कलर, डेटा बार, इस सब लचीले ला सकते हैं, यहां से भी ला सकते हैं, या फिर यहाँ फॉर्मेट में आएंगे तो यहाँ पे आपको सेल एलिमेंट के अंदर दिखेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो एक एक पहले देख लेते क्या है, पहले है आपका ग्रिड, यहां से आप अपना ग्रिड की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से ये टेबल की फॉर्मेटिंग, ओके। दूसरा आता है जो ग्रिड लाइन है, उसकी कलर क्या होनी चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों का, ठीक है। देन बॉर्डर, ये तो अंदर की हो गई, बाहर जो दिख रही है इसकी बॉर्डर, वो बॉर्डर टॉप बॉर्डर मिडल क्या डालना चाहते हैं, उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, वो यहां से डिसाइड होगा, ठीक है। वैल्यू, अब इसके अंदर जो वैल्यू है उसकी कलर फॉर्मेटिंग साइज क्या होना चाहिए, यहां से डिसाइड, बैकग्राउंड और चीजें क्या होनी चाहिए वो डिसाइड करोगे। कॉलम हीडर, ऊपर जो कॉलम हीडर आ रहा है उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, कलर क्या होनी चाहिए, आप यहां से डिसाइड करो। टोटल्स, नीचे जो टोटल्स आ रहे हैं, टोटल्स पे क्या क्या चीजें हम डिसाइड कर सकते हैं वो आप यहां देख सकते हैं। स्पेसिफिक कॉलम, किसी एक कॉलम के ऊपर आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, जैसे कि मैं चाहता हूं सम ऑफ क्वांटिटी सेंटर में, ठीक है, तो मैंने सम ऑफ क्वांटिटी को लिया और इसको यहां पे सेंटर कर दिया, ठीक है।
अब बारी आती है सेल एलिमेंट, मैं चाहता हूं अमाउंट के अंदर सेल एलिमेंट लगाना, तो यहां से मैं अपना अमाउंट सिलेक्ट कर लूंगा। अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं, अब इसमें एक तो हम बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं, ठीक है, दूसरा इसमें हम फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, तीसरा डेटा बार ला सकते हैं, चौथा इसमें आइकन्स ला सकते हैं, पांचवा इसमें यूआरएल वगैरह दे सकते हैं, फिलहाल यूआरएल को छोड़ देता हूं मैं, ठीक है। इसमें एफएक्स दिख रहा है, जैसे मैंने बोला बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर में मैंने एफएक्स दिया, एफएक्स में मैं चाहता हूं यहाँ पे रूल्स, रूल्स में हमने बोला सम ऑफ अमाउंट सम है, ठीक है, सम ऑफ अमाउंट सम है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, यहां आप लिख सकते हैं कि किस वैल्यू से बड़ा और किस वैल्यू से छोटा हो तो आपका आर ए हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, ठीक है। हम बताओ सम ऑफ क्वांटिटी नहीं करता हूं, ये बहुत बड़ा नंबर है, एक काम करता हूं मैं यहाँ पे क्वांटिटी को लेता हूं, ठीक है, और मैं चाहता हूं जो क्वांटिटी 40,000 से ऊपर है वो कलर हो जाए, राइट। तो यहां एफएक्स पे क्लिक किया और यहां पे मैंने रूल्स पे गए, रूल्स पे जाने के बाद मैं यहां पे सेलेक्ट किया सम ऑफ क्वांटिटी, ऑलरेडी आ गया, अदरवाइज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सम होगा इस ग्रेटर देन में नंबर कर दीजिए, और यहां पे मैंने कर दिया 40,000, ठीक है, और लेस देन मैंने बोल दिया मैक्स, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि क्या होगा, हमने मैक्स दे दी, और कलर में मैंने दे दिया ग्रीन कलर, ठीक है, एंड ओके। देखिए देखा, तो जहां भी एफएक्स होता है वहां पे क्या होता है, फॉर्मेटिंग होती है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, ठीक है, तो टेबल समझ में आ गया। टेबल्स में ही एक आता है आपका मैट्रिक्स टेबल, क्या आता है मैट्रिक्स, तो ये नॉर्मल टेबल और मैट्रिक्स टेबल में कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है, बस इस कॉलम में सिर्फ क्या है कॉलम्स डाल सकते हैं, इसमें आप रो एंड कॉलम दोनों डाल सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूं प्रोडक्ट वाइज, मैं चाहता हूं मंथ वाइज क्वांटिटी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर इसमें हमें मल्टीपल, मान लीजिए कि इसमें अगर मैंने मंथ यहाँ पे प्रोडक्ट दिया तो ये क्या होगा, रिपीट हो जाता है, देखिए रिपीट हो गया ना, हर मंथ का प्रोडक्ट आ रहा है, बट इसमें क्या है इस तरह से मैट्रिक्स में आप ला सकते, ठीक है। इसमें एक चीज और भी है, जैसे मुझे ये भी चाहिए एसओ को भी देखना है, तो मैं एसओ को उठा के रो में रख देता हूं, तो कुछ इस तरह से, यहां से इसको एक्सपेंड करके हम इस तरह से शो कर सकते हैं, ठीक है। इसके भी यहां पे आएंगे, इसके भी लेआउट्स है, डिफॉल्ट है, मिनिमल है, देखिए बोल्ड, इसमें कॉम्पैक्ट है या आउटलाइन चाहिए, देखिए आउटलाइन में कुछ इस तरह से आएगा, या टेबुलर चाहिए तो टेबुलर में कुछ इस तरह से आएगा, जैसे पिवट टेबल में नहीं होता है, ठीक है, समझे। रिपीट हिरर करेंगे तो रिपीट हो जाएगा, इसको छोड़ेंगे तो रिपीट नहीं, ठीक है। बाकी आपका वही सारा का सारा, ब्लैंक रो पे क्लिक करेंगे तो हर एक सेक्शन के बाद एक ब्लैंक रो आए, अच्छा, बाकी सब चीज सेम है। तो आप इन सारे टूल्स को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कल की क्लास में हम डीकम्पोजिशन और इसके बाद क्यूए के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपका दो बच जाएगा केपीआई, एक बच जाएगा आपका की इन्फ्लुएंसर, तो इसके लिए अलग डेटा बनाना पड़ेगा तभी हो पाएगा, बट ये आप ये दोनों आप सीख सकते हैं आसानी से, ठीक है।